सुप्रिया पंडित नाम की एक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की थी। उसमें दो मुख्य इशू यही थे कि एक तो तबलीगी जमात का मामला, कि जब सरकार को पता था उसके बावजूद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने उसमें तबलीगी जमात को वहाँ पर कार्यक्रम क्यों करने दिया, और उस मामले की CBI जांच कराई जाए। इसके अलावा जो लॉकडाउन के बाद आनंद विहार बस अड्डे पर हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, उस मामले में भी CBI जांच कराने की बात की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से पूछा था कि इस मामले पर आपकी क्या राय है। तो इस पर केंद्र सरकार की तरफ से, चूँकि दिल्ली पुलिस भी केंद्र सरकार के अधीन है, तो उन्होंने बताया है कि इस मामले में CBI जांच की कोई आवश्यकता नहीं है और दिल्ली पुलिस डेली बेसिस पर इसकी जांच कर रही है। जल्द ही इस मामले में रिपोर्ट भी जो है तैयार कर ली जाएगी। अगर कोर्ट को चाहिए तो कोर्ट को सील कवर में ये रिपोर्ट जैसे ही बनेगी दी जा सकती है। तो ये केंद्र का जो है स्टैंड है कि तबलीगी जमात मामले में जो मरकज वहाँ पर हुआ था उसमें CBI जांच की जरूरत नहीं है, दिल्ली पुलिस उसमें जांच कर रही है।